That the bill further to amend the right of children to free and compulsory education act 2009 be taken into consideration. Sir, Sabhapati Mahoday, ye mudda bahut mahatva ka hai, chota hai lekin mahatva ka hai. Why this bill is necessary? Because when in 2009 the right to education bill was enacted and which was implemented from 2010, 2010 में ये शिक्षण का विस्तार का कार्यक्रम था एक तरह से, तो सर्व शिक्षा अभियान पहले और बाद में राइट टू एजुकेशन, इसमें अनेक जगह नए स्कूल खुले और स्कूलों में टीचर्स बीएलएड या डीएलएड वाले नहीं थे उपलब्ध, तो वहां ग्रेजुएट या बारहवीं के टीचर्स को भी प्राथमिक शिक्षा के लिए भर्ती किया गया, लेकिन उनको प्रशिक्षित होना जरूरी है, वो अनक्वालिफाइड है, उसके लिए 5 साल का मौका दिया था। 5 साल में लगभग लाखों शिक्षक प्रशिक्षित हुए, उन्होंने बीएलएड अर्जित कर लिया, लेकिन फिर भी ये विस्तार चलता रहा। खासकर 7-8 राज्यों में ये प्रश्न बहुत गंभीर था। एनआईएस के द्वारा परीक्षाएं होती थी या वो किसी कॉलेज में कोर्स लेते थे ओडीएल का, लेकिन उससे सभी का प्रशिक्षण नहीं हुआ। तो आज के दिन में भी 5.5 लाख से ज्यादा, लगभग 6 लाख प्राइवेट स्कूल के टीचर्स और 2.5 लाख के दरमियान गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, इतनों का बीएलएड या डीएलएड नहीं हुआ है, वो एक तरह से अनक्वालिफाइड है, लेकिन अब वो 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई 4 साल से पढ़ा रहा है, कोई 10 साल से पढ़ा रहा है। तो अब इनको एक आखिरी अवसर देने के लिए ये बिल आया है कि 2019 मार्च तक उनको ये परीक्षा देकर पास होना चाहिए, तो अभी भी 2 साल का मौका है और पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए हाउ वी विल कंप्लीट इट। अब एक नई सुविधा आई टेक्नोलॉजी से, स्वयं पोर्टल भारत सरकार का निकला है, तो स्वयं पोर्टल पे ये सबको कोर्स देने की कल्पना है, क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं स्कूल में, तो उनको लेसन लेने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, तो वो लेसन तो ले रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, लेकिन उनको थियोरेटिकल और जो ज्ञान होना चाहिए वो होने की जरूरत है। और इसलिए अभी अगस्त महीने में सबका रजिस्ट्रेशन होगा। 8.5 लाख शिक्षकों को हम कहना चाहते हैं कि अब ये आखिरी मौका है, इसके बाद नहीं मिलेगा, नहीं तो उनका जॉब खतरे में जाएगा, और इसलिए अभी रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद स्वयं में उनको ऑनलाइन भी मिलेगा और डीटीएच के चैनल पर टीवी में घर बैठे भी वो पढ़ सकते हैं। और इसलिए ये डीएड का कोर्स खास अच्छे अच्छे देश के प्राध्यापक वो लेक्चर भी देंगे, मटेरियल भी होगा, ट्यूटोरियल भी होगा, डिस्कशन फोरम भी होगा और फिर एग्जामिनेशन भी होगी, और उसके दरमियान राज्य सरकारों द्वारा 12 दिन का एक प्रशिक्षण हर साल में यह भी किया जाएगा कि जिससे उनको हैंड्स ऑन जो आमने सामने करते हैं और वो शिक्षा भी मिलेगी। तो इसमें सब कुछ शिक्षा है, ये तंत्रज्ञान का एक विजय है कि हमें यह सुविधा मिली है। और यह स्वयं पोर्टल परसों ही पिछले सप्ताह राष्ट्रपति महोदय जी ने लॉन्च किया है, इस पर अभी 400 कोर्सेस चल रहे हैं विभिन्न प्रकार के और 1 लाख से ज्यादा छात्र उसका अध्ययन के लिए रजिस्टर किए हैं। ये 8.5 लाख लोगों को ये बहुत अच्छी सामग्री मिलेगी और रोज का रोज मिलेगा, और डीटीएच भी एक चैनल जो है यानी दूरदर्शन का फ्री मिलता है, केवल सेट टॉप बॉक्स जिनके पास नहीं है वो सेट टॉप बॉक्स लेते हैं, और इसलिए एक 1200-1300 रुपए के खर्चे में घर में सदा के लिए टीचर को 32 एजुकेशनल चैनल्स दिखेंगे, उससे वो हमेशा समृद्ध होगा। और ये कोर्स भी अपने, क्योंकि दिन में वही कोर्स 4 बार दिखाया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी सुविधा होगी और ये काम करके भी अच्छा कर सकेंगे। तो इसको क्योंकि नहीं तो भावी पीढ़ी के साथ अन्याय होगा, उनको अनक्वालिफाइड टीचर्स की शिक्षा से बहुत नुकसान होता है, टीचर क्वालिफाइड होने की जरूरत है, और इसलिए ये करेंगे। लेकिन आज ही 1.5 घंटा है, 1 घंटा ही हमें समझना चाहिए
बाद में मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, कोई किसी के सुझाव है तो जरूर बताए, उन सुझावों पर विचार होगा। और ये कार्यक्रम है तो आज ही अगर पास होता है तो अगले सप्ताह राज्यसभा में भी पास होगा, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। और इसी जो जिस उद्देश्य से राइट टू एजुकेशन बनाता इसी को आगे लेकर हम जा रहे हैं, और सबको शिक्षा इसमें मिलेगी और सभी प्रशिक्षित होंगे, क्वालिफिकेशन हासिल करेंगे।